नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला, ट्रिम फार्मूला के बारे में। जी हाँ, ट्रिम फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, आज ये वीडियो को आखिर तक देखिए जानने के लिए। अगर जैसे हम कोई भी डेटा टाइप करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रह जाता है कहीं पर टेक्स्ट के आगे पीछे या फिर बीच में, तो उसको ट्रिम फार्मूला से कैसे हटा सकते हैं। इक्वल्स ट्रिम और वो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और सिंपली उसको फिर ड्रैग कर देना है जिस जो भी आपको डेटा से एक्स्ट्रा स्पेस जो हटाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस था रोहित के पहले वो हट गया है, राम के बीच में भी था वो भी हट गया है। इसके अलावा भी ट्रिम का और जो उपयोग है मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। ट्रिम को वी लुकअप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया छोटा सा और वी लुकअप फार्मूला भी लगाया हुआ है, लेकिन वो वी लुकअप फार्मूला अभी गलत है, एन ए दिखा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उन नाम के अंदर स्पेस है, या तो आगे या पीछे या बीच में कहीं ना कहीं नाम के अंदर स्पेस है, और यदि नाम के अंदर स्पेस रहेगा तब भी वी लुकअप फार्मूला काम नहीं करेगा। अभी मैंने यहाँ पे जैसे आईडी डाला है तब भी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया है। वी लुकअप फार्मूला में कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से कभी काम नहीं करता है, तो अगर आपको लगता है कि वी लुकअप फार्मूला आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको दो तीन चीज़ें चेक करना है। एक तो आपने प्रॉपर ये डाला है कि अगर आपने नाम सेलेक्ट किया है तो नाम ही डालना है, आईडी नहीं डालना है, ओके। और दूसरा, उसके अंदर कुछ स्पेस तो नहीं रह गया आपके टेक्स्ट के, तो उस स्पेस को हटाने के लिए सबसे पहले आप ट्रिम जैसे मैंने पहले दिखाया आपको सेम आप यहाँ पे कर सकते हैं, एक नया कॉलम ऐड करके, नया रो ऐड करके। उसके बाद जो आपका फर्स्ट रो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप हटा भी सकते हैं। अभी जैसा मैंने यहाँ पे कर लिया है जो रो, उसको लेकिन आपको पेस्ट करना होगा सिंपल वैल्यू फॉर्मेट में, तो वहाँ से जो आपका फॉर्मूला है ट्रिम वो हट जाएगा। अब वैल्यू फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अभी सिर्फ ये वैल्यू फॉर्मेट है। अभी मुझे ए नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये रो को। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप करूँगा तो ये काम करना चाहिए, अगर मैं कोई भी नाम यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये वैल्यू का फॉर्मूला काम करना चाहिए ट्रिम के हेल्प से, लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। फिर से लगाते हैं वी लुकअप, क्या हमें चेक करना है, उसके बाद कॉमा टेबल एरे, किस टेबल से सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आपको सर्च क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्योंकि मुझे वहाँ पे एड्रेस चाहिए, लेकिन एड्रेस अभी भी नहीं आया है क्योंकि मैंने अभी भी वहाँ पर सिर्फ आईडी डाला है, नाम नहीं डाला है। सो ये भी फ्लॉ है वी लुकअप में। अगर आप चाहते हैं कि वी लुकअप काम करे तो दो चार चीज़ों का बस सिंपली ध्यान रखना है, या प्रॉपर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सचिन, ओके, मैं सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया सिंपली, देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। अभी मैं रोहित टाइप करूँगा तो वो भी चेंज हो जाएगा, तो अभी वी लुकअप फार्मूला काम कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। और भी वी लुकअप फार्मूला जानना है तो डिटेल में मेरा और भी वीडियोज़ बनाए वो आप देख सकते हैं। अभी एक और उपयोग होता है ट्रिम का डेटा वैलिडेशन में, वो कैसे होता है देखिए, यदि आप कोई टेक्स्ट या कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं कोई भी डेटा, ये अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा में कोई स्पेस का मिस्टेक ना रहे, कोई एडिशनल स्पेस ना आए, टाइप करते हुए स्पेस का मिस्टेक आ जाता है बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए आप उस टेबल को सेलेक्ट करके जहाँ पे आपको डेटा टाइप करना है वहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, ट्रिम डेटा वैलिडेशन के अंदर ट्रिम फार्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, कस्टम में जाके वहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना है इक्वल्स, और उस जगह को उस फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इक्वल्स फिर से ट्रिम ब्रैकेट ओपन, फिर उसी सेम जगह को सेलेक्ट करना है, उसी सेम टेबल उसी सेम कॉलम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। अभी आप उसमें एरर मैसेज भी लगा सकते हैं, एरर अलर्ट, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा रॉन्ग टाइप, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस आर परमिटेड, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस आर परमिटेड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और उसमें कोई एडिशनल स्पेस आता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा, जैसे राम मैं डबल स्पेस लगाया है तो वो एरर देखिए, देखिए रॉन्ग टाइप नो एक्स्ट्रा स्पेसेस परमिटेड। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं सिंपली, आपको कुछ भी अगर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे और आप चाहते हैं उसमें कोई स्पेस का मिस्टेक ना रहे तो सिंपली आप
टाइप कर सकते हैं एक कस्टम मैसेज, डेटा वैलिडेशन में ट्रिम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आने वाला।